बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई दोस्त। मेरी हमेशा यही दुआ है आप सब ठीक रहें और खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आपकी ज़िंदगी में जो भी दुख दर्द तकलीफ़ें सब दूर हो जाए। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज मैं बना रही हूँ मूंग की दाल, जो कि एक साबुत होती है और एक तली हुई होती है। ये वाली दाल मैंने एक घंटा पहले भिगो के रखी थी। उसके लिए मैंने क्या क्या लिए मैं आपको बताती हूँ। मेथी लिए मैंने, दो अदद टमाटर लिए, हरी प्याज लिए, लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट लिए, हरी मिर्च लिए चार अदद, उनको मैंने इस तरह काट लिए, हरी धनिया लिए। मसाले में मैं आपको दिखाती हूँ। ये 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून कश्मीरी मिर्च, 1/2 टीस्पून लिया मैंने मसाला मसाला, 1 टीस्पून हल्दी, 2 अदद बड़ी इलायची लिए, दालचीनी लिए, 2 अदद लौंग। तो ऑयल मैंने डाल दिए, फ्लेम ऑन करती हूँ। सबसे पहले ये इलायची, दालचीनी और लौंग डाल के 2 मिनट इनको घी में भून दिया। ये देखें घी इस तरह होने लग गई है। अभी मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं करते, हल्का हल्का फ्राई कर लेते हैं। फ्राई होने तक मैं ग्रीन टी पी रही हूँ। ग्रीन टी बनाई है, सर्दी बहुत ज़्यादा है। लहसुन अदरक हल्का ब्राउन हो चुका है, टमाटर मसाले शामिल करती हूँ, साथ ही हरी मिर्च, टमाटर अच्छे से डाल चुके हैं। मेथी शामिल करती हूँ और इसको भी अच्छी तरह से कर लूँ। मसाला अच्छे से भून चुके हैं, अभी दाल शामिल करती हूँ। 5 मिनट इसको मैं इस मसाले के अंदर अच्छी तरह भूनूंगी। 5 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह इस मसाले के अंदर भून लिया। अभी मैंने 3 गिलास पानी लिए, पानी मैंने गर्म कर लिया। जब भी दाल में पानी डालें तो पानी गर्म करके डालें, ठंडा पानी डालने की वजह से दाल गलती है। दस 15 मिनट इसको ऊपर से डांप देते हैं हल्की आंच पर, चेक करते हैं जी। 15 मिनट हो ही चुके हैं। जी गल चुकी है, अभी थोड़ा पानी है। अगर आप पानी के साथ खाना चाहते हैं तो इस तरह भी खा सकते हैं, मैं पानी खुशक करेंगे। रहिए वैसे हरा तो इसमें बहुत है, खुशबू के लिए ये डालूंगी। हाँ जी ये देखें जी, दाल हमारी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़ेदार तैयार हुई है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है।
तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर लाजमी करना। कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो हम इसको खाएंगे जी देसी घी के साथ। देसी घी के साथ बहुत ही मज़े की होती है। तो चलो ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।